नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर, शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ता हुआ देख कल कलेक्टर राजेश नार्वेकर जी ने एक आदेश जारी किया, जिसके चलते जो निजी व्हीकल है, चाहे वो दो पहिया हो चार पहिया हो, सभी व्हीकलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ साथ में मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार मीरा भाईंदर शहर में जो कोई भी व्यक्ति या महिला अपने घर से निकलते हैं, उन्हें घर का या मास्क लगाना काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। इस तरह से कई अहम फैसले मनपा आयुक्त ने लिए। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका, कि जिस तरह से अब शहर के हालात बिगड़ते हुए देखा जा रहा है, उसी के चलते ये कहा जा सकता है कि हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड यानी थर्ड स्टेज में हम लोग इंटर कर रहे हैं। शायद यही इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस तरह से सख्त फैसले मनपा आयुक्त को लेने पड़ रहे हैं। आइए जानते क्या कहना है मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे का। मीरा भाईंदर, मनपा क्षेत्र में कुल 920 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उनमें से 331 लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद उनको रिलीज कर दिया है। 466 लोग अभी भी होम क्वारंटाइन में है। 63 लोग क्वारंटाइन सेल में है। 60 लोग आइसोलेशन वार्ड में है। उनमें से 54 लोग टेम्बा हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में है और 6 लोग मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में हैं। सर, जिस तरह से ये मरीजों की संख्या दिन ब दिन शहर में बढ़ती जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए मनपा प्रशासन की तरफ से और क्या उपाय योजना की जा रही है? जिस तरह मनपा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ फास्ट बढ़ रहे हैं। और इसे मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ही ये निर्देश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर निकलेगा, उसने मास्क पहनना चाहिए। भले ही वो कपड़े का मास्क रहे, 2-ply मास्क रहे, 3-ply मास्क रहे, या N95 रहे, या अन्य कोई भी मास्क रहे, उसने मास्क पहनना ज़रूरी है। क्योंकि जो इस फील्ड में जो रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च के अनुसार मास्क पहनने से इस वायरस का संक्रमण बहुत कम हो जाता है। जो शहर में जो मरीज़ पाए गए हैं, वो मरीज़ों की हालत अगर हमने देखी है, तो उनको देख के ऐसे कोई अनुमान नहीं लगाएगा कि ये मरीज़ है, लेकिन उनके टेस्ट पॉजिटिव आई है। तो हम लोग भीड़ में जाते हैं, नागरिक भीड़ में जाते हैं, तो आपको पता नहीं कि आपके बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए सभी ने मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर हमें कोई मास्क न पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, हम उसके अगेंस्ट में IPC के सेक्शन 188 के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। सर, ये बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए महानगर पालिका ने जो समय की पाबंदी लगाई गई है मीरा भाईंदर क्षेत्र में, लोगों को अपने जरूरी काम के लिए, वो समय की थोड़ी आप जानकारी दीजिए कि कौन से समय में शहरवासी उतर के अपना जरूरी काम कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। बढ़ती हुई मरीजों की संख्या देखते हुए और सभी प्रकार की दुकानों पे बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मनपा प्रशासन ने आज से विभिन्न प्रकार की दुकानों के लिए समय की पाबंदी लगा दी है। उसमें सब्जी और फल ये सुबह 9 से 12, किराना, डेयरी, बेकरी और अन्य जीवनावश्यक चीज़ें ये 9 से 5, ये इसी टाइम पर खुली रहेगी। लेकिन दवाइयों की दुकानें, उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो सुबह से रात तक खुली रह सकती है। ये थे मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जो बता रहे थे कि शहर में अब जिस तरह से ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसके चलते सावधानियां बरतने के हेतु, या यूँ कहा जाए कि एहतियात के तौर पर जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदम को, उन आदेशों को मीरा भाईंदर शहर की जनता ने कबूल करना चाहिए, उस आदेशों का पालन करना चाहिए, अमल करना चाहिए, ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर में इस
वायरस का तेज़ी से फैलाव न हो, उस वायरस पर पूरी तरह से रोकथाम करने में मनपा आयुक्त को, हम शहरवासियों को कामयाबी मिले। आप देख रहे हैं आरिफ कृषि और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।